अयोध्या राम मंदिर मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सीहोर कलेक्टर के आदेश के अनुसार सीहोर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हाई अलर्ट पर है। वही राजधानी से सटे 40 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में भी सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता ने संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर दी है। संवेदनशील जिला होने के कारण अयोध्या मामले में फैसला आने से पहले कलेक्टर अजय गुप्ता ने मंगलवार को सीहोर जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। दरअसल अयोध्या राम मंदिर मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर के आदेश के अनुसार सीहोर में अगले महीने 15 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही जलूस, धरना और प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। देखिए, मैं हमारे के साथ यहाँ सभी प्रकार के हमारी जितने भी सामाजिक और सामुदायिक नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित था, उनके सामने हमने अपनी बात करी है, जिला प्रशासन की बात करी और सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि जितने भी वर्ग हैं, समुदाय हैं, जितने भी यहाँ के समाजसेवी हैं, हमारे आष्टा के सिटीजन्स हैं, सबसे शांति की अपील है, शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, प्रशासन पर भरोसा रखें, आपसी मिलनसारता को, आपसी एकता को अपने किसी भी प्रकार की भ्रांतियों को बिल्कुल भी हवा ना दें और कोई भी अफवाह यदि सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से अगर आती है तो प्रशासन से उसको अवगत कराएं। पर्याप्त कानून में इसकी व्यवस्था है कि यदि कोई भी भ्रांति या शरारती तत्व समाज में विद्वेष फैलाने की अगर कोशिश करेगा तो उसे बहुत ही सख्ती से टैकल किया जाएगा। और मैं दसवीं पंचायत के रूप में सिर्फ आष्टा को ही नहीं बल्कि सीहोर, सभी सीहोर के जिलेवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सीहोर शांति का टापू था, शांति का टापू रहेगा और आप लोग अपनी जो नियमित दिनचर्या है उस नियमित दिनचर्या को आप करते रहिए, प्रशासन आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो।